फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अलहमदिल्ला बहुत अच्छे। तो मैं कर रही हूँ कुकिंग की क्लास, तो आप लोग देखिए। उसके पूरे बीज निकाल देना है, बीज निकाल के से पानी में भिगा देना है, ठीक है? बीज इसलिए निकाल दे कि बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा ना, बीज के साथ रहेगा तो बीज पूरे पिक्स नहीं तो मुँह में आते तो वो और तीखा लगेगा। तो बीज निकालना है इसके। ये मेरी 15-20 मिनट से भिगा के आधा घंटा हो गया, और ये भिगा के रखी हूँ इसको मैं पूरा। इसमें ये चटनी 1-2 महीना अपने फ्रिज में रहती है, बस इतना ही है कि इसमें थोड़ा मिर्च, अब उसमें 10-12 कली लहसुन डाल देंगे। अब थोड़ी चीनी डालेंगे, 10-12 चीनी, 2 टीस्पून 1 टीस्पून, या फिर आप नहीं भी डालें तो चलता है, अगर आपको इसे तीखा ही चाहिए तो। चटनी में थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिए तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा देर तक रहती है चटनियाँ, ख़राब नहीं होती है, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा पानी, या इसका अभी पानी डाल सकते हैं। अब इसका कलर बरकरार रखने के लिए और इसको स्टोर करने के लिए 1-2 महीना इसमें थोड़ा विनेगर और नींबू जाएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है? इसका कलर भी अच्छी रहेगा। और इसको ढक कर रखना है, एयर टाइट या कोई भी ऐसा ढक्कन डब्बा जो जिसमें ढक कर आप रख सको, रमजान में बहुत काम का है। आधा नींबू डाल देंगे, आप एक भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके आप स्टोर कर दो, जैसे भी आपको करना है।